be sharp. नमस्कार, आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत हमारे ग्रामीण शोध कार्यों से जुड़े कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हर एपिसोड में करवाते हैं कुछ ऐसे शोधकर्ताओं से जिन्होंने नए नए शोध किए हैं, कृषि के क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनसे आम किसानों को फायदा हो रहा है। अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिमाचल प्रदेश के पन्याला गांव के हरिमन शर्मा से। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हरिमन शर्मा की जिंदगी पर भी ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। हरिमन शर्मा के जन्म लेने के ठीक 3 दिन बाद ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और इस नन्हे से बालक की परवरिश उनके ताया जी ने की। शायद भगवान भी हरिमन शर्मा के हाथों में कुछ चमत्कार देखने का इंतजार कर रहे होंगे, जिससे उनमें एक ऐसी प्रेरणा भरी। जैसे जैसे हरिमन शर्मा बड़े हुए, वक्त ने उनकी कठिन से कठिन परीक्षा ली। कठिनाई और संघर्ष से जूझते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। हरिमन शर्मा जब युवावस्था में पहुंचे तो वन विभाग में कुछ वर्षों तक अस्थाई नौकरी की। एक ऐसा वक्त भी आया जब वो पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम किया करते थे। पत्थर तोड़ने के बाद मेरी बाजू टूटी, उसके बाद मैंने कार्य छोड़कर वर्ष 1992 से मैंने आम का बगीचा लगाया। वर्ष 1999 में मैंने हिमाचल सरकार से आम की नर्सरी का लाइसेंस लिया और फिर आम के पौधे व सब्जियों के पौधे, घिया खीरा वगैरह बेचने लगा। उसके बाद मैंने आम पे बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता था, फिर मैंने सोचा कि आम जब ख़त्म हो जा रहे हैं तो क्यों ना सेब की तरफ ध्यान दिया जाए, इसलिए मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। जिंदगी की अनेकों शामों को उन्होंने यूं ही गुजार दिया, बस फिर एक दिन वो सुबह आई जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, उनकी जिंदगी में उजाला भर गया। और 1999 में मैंने सेब के एक बीज से पौधा तैयार किया जिस पर 2 साल बाद छोटे छोटे फल आए। फल आने के बाद पहले मैंने उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया, फिर उसका साइज थोड़ा और बढ़ गया। फिर बाद में मैंने उसको लोगों से सुना कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है, तो मैं शिमला से सेब के पौधे लाया और उन पर मैंने इसकी ग्राफ्टिंग शुरू की। तो आज हम जानेंगे हरिमन शर्मा द्वारा तैयार की गई सेब की नई किस्म हरिमन 99 के बारे में, जो गर्म जलवायु में भी अच्छी उपज देती है और अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जोर शोर से उगाई जा रही है। तो आइए हरिमन शर्मा के शुरुआती दौर के बारे में जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जब मैंने पहली बार सेब के उस बीजू पौधे पे ग्राफ्टिंग की तो पौधा यहाँ पर सेब का ना होने के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग बहुत अच्छा और अच्छी गुणकारू बनती है, इसलिए मुझे शिमला से सेब के पौधे लाने पड़े, तब मैंने ग्राफ्टिंग शुरू की। फिर मार्केट में कोई भी नहीं सोचता था कि भाई सेब यहाँ पर हो सकता है, सब झूठ मानते थे कि तो गलत है। परंतु जब धीरे धीरे यह मीडिया में आने लगा और मार्केट में सेब जाने लगा तो सब सिद्ध हो गया कि वाकई ही सेब यहाँ हो रहा है। सन 1990 के आते आते हरिमन शर्मा की खेती की समझ विकसित होने लगी, साथ ही कृषि कार्य की ओर इनका झुकाव भी बढ़ा। अपने इसी मकसद से इन्होंने अपने खेतों में सब्जियां उगाने का कार्य आरंभ कर दिया। लगभग 7-8 वर्षों तक इन्होंने अपने खेतों में सब्जियां उगाई। इसी बीच एक मौसम में काफी ओले पड़े जिससे इनकी फसल बर्बाद हो गई, इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। गांव के आसपास हरिमन जैसे और भी कई किसान थे जिन्हें इस प्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ा था। प्रकृति के इस कहर से दुखी होकर हरिमन ने सेब की खेती करने का विचार बनाया। अब तक उनके पास पारंपरिक खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी। इन खेतों में वे धान, मक्का और सब्जियां उगाया करते थे।
लेकिन जब से उनके मन में सेब उगाने की इच्छा हुई तो उन्होंने इसके लिए प्रयास आरंभ कर दिया। लेकिन अब तक इनके पास सेब की खेती का कोई हुनर नहीं था। इत्तेफाक से एक दिन उनकी नजर अपने खेतों में उगाए सेब के एक नन्हे से पौधे पर पड़ी, जो कि शायद हरिमन शर्मा द्वारा ही फेंके गए सेब के बीज से उगाया था। बाजार से लाए सेब को खाने के बाद उसके बीजों को उन्होंने अपने खेतों में बो दिया था, जो बाद में एक पौधे की शक्ल में खेतों में उगाया। जब हरिमन शर्मा की नजर उस पौधे पर पड़ी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उन्होंने उस पौधे की नियमित देखभाल करना आरंभ कर दिया। जब पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने इस पौधे की कलम लगाने का विचार किया। तो मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि सेब तो यहाँ उगता नहीं है, क्योंकि ये बर्फ वाले क्षेत्र में ही उगता है। इसके लिए 45 दिन तक 0 डिग्री टेम्परेचर से ही होता है, परंतु ये वो यहाँ अचानक उग गया। फिर मैंने उसको पल्लम पे ग्राफ्टेड किया। पल्लम पे ग्राफ्टेड करने के बाद जब उसमें साइज में थोड़ा सुधार हुआ तो पता लगा कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की जाती है। तब मैंने शिमला से सेब के पौधे लाकर इस पे ग्राफ्टिंग की, जो कि बड़े अच्छे सुखदायक परिणाम रहे। प्रयोग प्रयोग में ही की गई पहली सफल ग्राफ्टिंग ने हरिमन शर्मा के हौसले को बढ़ा दिया। वर्ष 2000 तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला फल सेब 45 डिग्री तापमान में भी लू के पेड़ों में पैदा हो सकता है। मैंने यह एक ऐसी किस्म तैयार की है जो HRM90 नाम से प्रसिद्ध है। इसका फल जून जुलाई में आ जाता है, जबकि परंपरागत सेब शिमला का सेब अगस्त सितंबर में आता है। इस कारण इसके मार्केट में बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और यह भारतवर्ष के 29 राज्यों में हो रहा है। इसके बाद साल 2006-2007 के आते आते उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आम्रपारा में उनके कार्यों की सराहना हुई। अब हरिमन शर्मा ने सेब की बागवानी पर अपना पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। श्री हरिमन शर्मा जी इस कृषि विज्ञान केंद्र से 2005-06 में जो थे जुड़े थे, और 2006 में जो है इन्होंने एक वैरायटी हरिमन 99 करके जो है वो डेवलप की, और ये जो वैरायटी है उसकी हमने कृषि विज्ञान केंद्र में जो है उसकी वैलिडेशन की, उसकी टेस्टिंग की, और हमने ये पाया कि ये जो वैरायटी इन्होंने तैयार की है ये हर तरह से जो है बहुत अच्छी है। चाहे वो टेस्ट ले लो, चाहे उसमें फ्रूट साइज ले लो, चाहे उसमें बियरिंग ले लो, चाहे उसमें प्लांट हाइट ले लो। तो ये जो वैरायटी हरिमन शर्मा जी ने डेवलप की है ये गर्म इलाके के लिए जो है, जैसा कि अमूमन सेब जो है वो ठंडे इलाके में तैयार किया जाता है, परंतु ये जो वैरायटी है ये गर्म इलाके के लिए जो है वो तैयार हुई है। अब तक हरिमन शर्मा के कार्यों की सराहना दूर दूर तक फैल चुकी थी। कृषि कार्य से जुड़े अन्य विभागों में भी हरिमन शर्मा की सेब की बागवानी के चर्चे शुरू हो गए। 30 से 40 डिग्री वाले गर्म तापमान में सेब की खेती सबको चौंकाने वाली खेती लग रही थी। इसी बीच साल 2011-2012 में जब NIF को हरिमन शर्मा द्वारा लगाए गए सेब की कलम की जानकारी प्राप्त हुई, तो ऐसे अन्वेषी को NIF ने अपने शोध को बढ़ाने में सहायता देने का बीड़ा उठाया। इसके बाद तो हरिमन शर्मा की मानो जिंदगी ही बदल गई। हरिमन शर्मा जी की जो सेब की ये जो वैरायटी है, उस सेब के पौधे लगभग हमारे प्रयासों से, मैंने देखा है कि हमने इसको प्लेन्स में बहुत मल्टी लोकेशन पे लगवाया, मल्टी लोकेशन में लगा करके, लगाना ही नहीं लेकिन बल्कि उसके फ्रूट की क्वालिटी को भी टेस्ट किया, उसको भी जांचा गया। 15 से 20 दिन के अंदर जब ये फ्रूट आता है उसके टेस्ट में और उसकी उत्पादकता में, उसके कलर में बिल्कुल फर्क नहीं है, और ये शायद इसी शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। एक साधारण सी जिज्ञासा किसी इंसान को एक दिन इतना बड़ा शोधकर्ता बना देगी, ऐसा तो खुद हरिमन शर्मा ने भी कभी नहीं सोचा होगा। पेड़ पौधों को लगाने के प्रति हरिमन शर्मा का लगाव बचपन से ही था। बाजार से लाए हुए सेब के बीजों को हरिमन शर्मा खेल खेल में यूं ही अपने बाग में लगाया करते थे, और संयोगवश वो पौधे का रूप भी ले लिया करते थे।
बाद में हरिमन शर्मा ने उसकी ग्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी, जिससे उस पौधे ने एक नई शक्ल ले ली। बस फिर क्या था, इससे तो हरिमन शर्मा की जिंदगी जैसे बदल सी गई, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग का सिलसिला आगे चलता गया। और इसी बीच NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनके कार्य को खूब सराहा और उनके शोध में उनकी मदद की। उनकी कामयाबी के किस्से अभी और भी जानेंगे, पर कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रामीण शोधशालाएं। अलग अलग जलवायु और भिन्न तापमान वाली जगहों में भी सेब की इस नई वैरायटी ने सही वक्त पर फल देना आरंभ कर दिया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। निरंतर अभ्यास और लगन से इंसान अपने मनचाहे मुकाम तक पहुंच सकता है। हरिमन शर्मा अपने छोटे से गांव पन्याला में रहते हुए भी आज एक राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। इस मुकाम तक वो किस प्रकार पहुंचे, आइए उनके सफर के बारे में उन्हीं से जानते हैं। वर्ष 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया जी, तो जब से मैं उनके संपर्क में आया तो उनका मुझे पूर्ण सहयोग मिला और उनके सहयोग से मैंने भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसको पहुंचाया और 5 बार राष्ट्रपति भवन में NIF की तरफ से मुझे जाने का मौका मिला। इस कारण राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान हुई। NIF के पैमाने पर खरा उतरने के बाद हरिमन शर्मा द्वारा तैयार किए गए सेब के कलम यानी ग्राफ्टेड पौधे का प्रचार प्रसार देश के अलग अलग राज्यों में किया जाने लगा। उन राज्यों में किसानों को हरिमन शर्मा शोध किए गए सेब के नए पौधे लगाने की सलाह देते और इसमें अनेक प्रकार के सहयोग भी करते। इस प्रकार NIF के सहयोग से थोड़े ही समय में हरिमन शर्मा के शोध को मोहर लग गई और उनके द्वारा तैयार पौधे देश के कोने कोने में लगाए जाने लगे। ग्राफ्टिंग करने के बाद 3x3 का गड्ढा 15x15 फुट के फासले पर और लाइन टू लाइन भी 15 फुट रखी जाती है। उस गड्ढे में कम से कम 20-25 किलो गोबर की गली सड़ी खाद बा 12-32-16 या ऑर्गेनिक करते हों तो उसमें कोई टॉनिक डाला जाता है। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है और इसकी जड़ों में दीमक लगती है, उसके लिए नीम खली या फोरेट या थाइमेट का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ष में पौधा 7-8 फुट हो जाता है, तो 7-8 फुट हो जाने के बाद उसको पहली बार जो है तो उसको 3 फुट से काट दिया जाता है ताकि वह फैलाव ला सके। अलग अलग जलवायु और भिन्न तापमान वाली जगहों में भी सेब की इस नई वैरायटी ने सही वक्त पर फल देना आरंभ कर दिया। 40 से 45 डिग्री तापमान वाली जगहों में भी सेब की ये किस्म सफलतापूर्वक लगाई जाने लगी और समय पर फल प्राप्त होने लगा। कुछ ही सालों में सेब की ये किस्म काफी लोकप्रिय हो गई। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए न केवल अपने देश में ही बल्कि देश से बाहर नेपाल, बांग्लादेश और जर्मनी जैसे देशों में भी हरिमन शर्मा द्वारा शोध किए गए सेब की नई किस्म के पौधे लगाए जाने लगे। वहां की जलवायु में भी इस किस्म के पौधों ने समयानुकूल वृद्धि पाई, समय पर इसमें फूल और फल भी लगे। उम्मीद के मुताबिक सही मात्रा में किसानों को फल प्राप्त होने लगा। इस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरिमन शर्मा के शोध को मान्यता मिलने लगी। इस प्रकार हरिमन शर्मा द्वारा अन्वेषित सेब की नई किस्म के प्रचार का कार्य NIF ही करने लगी, जिससे थोड़े से समय में ही सेब की ये किस्म जगह जगह पहुंच गई।
वर्ष 2013 में मैं डॉक्टर अरुण चंदन व डॉक्टर पीएल गौतम जी के माध्यम से एनआईएफ के संपर्क में आया। एनआईएफ के संपर्क में आने के बाद उनके वैज्ञानिक यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने जहाँ जहाँ मेरे पौधे लगे थे उन सब जगहों का निरीक्षण किया और फल पौधों का सैंपल भी लिया व उन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग भी दिया व पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी किया, जिसके लिए मैं एनआईएफ का तहे दिल से आभारी हूँ। नहीं तो मेरे पौधे पूरे भारतवर्ष में नहीं पहुँच पाते। देश के अलग अलग हिस्सों से पौधों की मांग बढ़ने से हरिमन शर्मा की आय में भी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में हरिमन शर्मा 1,00,000 पौधे की सप्लाई करने में सक्षम है। सालों साल उनकी सप्लाई की ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के करनाल के एक किसान नरेंद्र सिंह चौहान ने भी अपने बागान में हरिमन शर्मा द्वारा तैयार सेब की किस्म को लगाया है और अब वे इसमें बेहतर लाभ कमा रहे हैं। होशियारपुर में पालमपुर के साइंटिस्टों ने वहाँ पे एप्पल का बाग लगवाया था और वो साइंटिस्ट भी वहाँ उस पेपर में खड़े थे और फार्मर भी खड़ा था और पेड़ पे सेब लगे हुए थे। वहाँ मेरे मन में आए जब होशियारपुर में सेब हो सकते हैं मेरे करनाल में क्यों नहीं हो सकते, और वो पेपर उठा के उसकी जड़ तक मैं खोजबीन करते करते पालमपुर यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट किया। फिर पता लगा भी हरिमन शर्मा ने के पास ये वैरायटी मिलेगी HRMN 99 जो कि हाई टेम्परेचर में हो सकती है। फिर मैं हरिमन शर्मा के पास जा कर के इसकी पूरी नॉलेज लेके आया और 20 जनवरी 2016 को मैं वहाँ से पौधे लेके आया, 235 पौधे लेके आया। ला करके मैंने यहाँ कुछ अपनी जितनी जगह मेरे पास खाली थी बाग में वहाँ लगा दी, बाकी मैंने बड़ी थैलियों में भर के रख दिए क्योंकि मुझे ये था भी इन पे फल लगेगा या नहीं लगेगा। तो उन पे दूसरे साल थोड़ा बहुत फल आया, 3 साल के बाद उन पे फल आना शुरू हो गया। तब मैंने आगे उन्हीं पौधों से आगे पौधे तैयार करने शुरू कर दिए और यहाँ सभी को बताना शुरू करा भाई हरियाणा में भी सेब हो सकता है, एप्पल हो सकता है। परिवार में किसी तरह का सहयोग न मिलने के बावजूद नरेंद्र सिंह चौहान अपने निर्णय पर अटल रहे और नर्सरी के काम को आगे बढ़ाने में प्रयासरत रहे। आरंभ में उन्हें इस कार्य के लिए पैसों की जरूरत थी, इसके लिए उन्होंने अपने निजी परिचित से 10,000 रुपए बतौर कर्ज लिया। ये रुपया उन्हें ब्याज पर प्राप्त हुआ था। ब्याज पर मिले रुपयों की मदद से नरेंद्र सिंह चौहान ने लवली नर्सरी का काम आरंभ किया। धीरे धीरे इस नर्सरी में तरह तरह के पौधे लाए गए और देखते ही देखते ये नर्सरी अपने बड़े आकार में स्थापित होने लगी। आधुनिक रूप से बने इस फार्म में नरेंद्र सिंह चौहान ने फ्रूट फार्मिंग पर खास ध्यान दिया। फलों के अलग अलग पौधों के अलावा विशेषकर सेब के पौधों के विकास पर ज्यादा जोर दिया। इन्होंने हरमन 99 को प्रयोग के तौर पर पहले अपने ही फार्म में लगाया और इससे जुड़े शोध कार्य करना आरंभ कर दिया। अपने शोध कार्य के दौरान इन्होंने पाया कि हरियाणा जैसे गर्म प्रदेश वाले क्षेत्र में भी सेब का बढ़िया फल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इनकी लोकप्रियता प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी फैलने लगी। अब इनकी पहचान सेब उत्पादक किसान के रूप में हो रही है। एक बाप की 4 बेटे हैं तो चारों हेल्दी नहीं होते, कोई कमजोर भी होगा, किसी को पोलियो भी होगा और हो सकता है चारों हेल्दी भी हो। इसी तरह से बागवानी में हमें मदर प्लांट जो होते हैं जिनसे आगे पौधे तैयार करने हैं, हमें देखना पड़ेगा कि बाग में सबसे स्वस्थ पौधे कौन से हैं। जो सबसे स्वस्थ पौधे होंगे उनकी ही कलम लेके हम ग्राफ्ट करते हैं तो हमारे अच्छे पौधे आगे तैयार होंगे। कामयाबी के एक लंबे सफर को तय करते हुए हरिमन शर्मा ने अनेक किसानों को सेब की ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़े रखने का सफल प्रयास किया। अब तक जो किसान प्रचलित खेती से जुड़े हुए थे, जो धान गेहूं और तिलहन जैसे फसलों से जुड़े थे, वो भी अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से पर हरमन 99 की कलम लगाने लगे। अनेक किसान इसमें खूब कामयाब हुए और उन्होंने अपनी आमदनी को भी बढ़ाया। इनमें से कुछ चुनिंदा किसानों की कामयाबी की कहानी आपको जरूर सुनाएंगे, पर फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हरिमन शर्मा
युवा किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ने की सलाह देते हैं और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में आप सबका स्वागत। सेब की नई किस्म हरमन 99 सेब की सिर्फ एक कलम मात्र नहीं है, बल्कि ये कमाल की चीज है। जिस किसान ने भी इसे अपनी जिंदगी में अपनाया, उसकी जिंदगी बदल गई। इसकी खासियत यह है कि गर्म क्षेत्रों में भी ये अच्छे फल देने में सक्षम है, और अपनी इसी खासियत की वजह से आज इसकी मांग देश विदेश में भारी मात्रा में हो रही है। चलिए आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने अपने बागानों में हरमन 99 को लगाया और अपनी आमदनी को इससे बढ़ाया है। नरेंद्र सिंह चौहान की फार्मिंग की सफलता का राज है बेहतर मदर प्लांट का चुनाव, कुशलतापूर्वक उसकी क्राफ्टिंग, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना, समय समय पर देखभाल और साथ ही उन्नत तकनीक की मदद लेना। फार्मिंग की इस कला को नरेंद्र सिंह अपने उन किसान साथियों के साथ भी साझा करते हैं जो उनसे फलों की खेती से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सभी किसानों को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस चीज़ पे मैं भी बेसिकली ध्यान देता हूँ। जो मेरे स्वस्थ पौधे हैं, जिन पे फल अच्छा आता है, कोई बीमारी नहीं है, उनसे ही मैं कलम लेके ग्राफ्ट करके पौधे नए तैयार करता हूँ। स्वयं नरेंद्र सिंह चौहान ने भी उच्च तापमान वाले क्षेत्र में सेब की यह किस्म उगाने की विधि के बारे में पन्याला गांव के हरमन सिंह से सीखा था। हरमन शर्मा जी को सबसे पहले प्रोफेसर पीएल गौतम के साथ मिलकर के उनके प्रयासों से हमने इनको खोजा था। प्रोफेसर पीएल गौतम राष्ट्रीय जो हमारी जैव विविधता अथॉरिटी या नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के पहले चेयरमैन रहे हैं और हमारे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने हरमन साहब को खोजा और मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हरमन की जो ये खोज है बिल्कुल यूनिक है और इसे इसकी वैरायटी को, इसकी प्लांट वैरायटी को बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद हरमन शर्मा जी के काम पे आगे बढ़ाया गया और NIF ने इसको इस विषय को आगे बढ़ाया और हरमन जी को सम्मान मिला। ईश्वर में आस्था रखने वाले हरिमन शर्मा युवा किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ने की सलाह देते हैं और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। उनके इस प्रयास में परिवार के बाकी सदस्य भी सहयोग करते हैं। खेती के साथ साथ समाज के लिए एक बड़े योगदान को देखते हुए हरिमन शर्मा को अब तक अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें कुछ सम्मान राष्ट्रीय स्तर के हैं तो कुछ राज्य स्तर के सम्मान हैं। उन्हें देश के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। अब तक लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सम्मान प्राप्त कर चुके हरिमन शर्मा को कैसा महसूस होता है, इसके बारे में बताते हुए वो खुद कहते हैं। वर्ष 2007 में पूर्ण सफलता के बाद मुझे सबसे पहला अवार्ड जो है तो स्थानीय SDM महोदय व उद्यान विभाग द्वारा दिया गया, उसके बाद जिलाधीश महोदय द्वारा दिया गया और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कृषि पंडित अवार्ड से नवाजा जी, तो मुझे उसके लिए बहुत खुशी महसूस हुई। उसके बाद मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया तो मुझे अब तक जी भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर 15 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड व 5 अन्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिससे मैं आपको अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इसी तरह से और काफ़ी किसान हैं जिनकी तरफ NIF नहीं बल्कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी ध्यान दे रहा है कि हम ऐसे पारंपरिक ज्ञान को या ऐसे इनोवेटर्स को जिनका बिल्कुल यूनिक और नया ज्ञान है उनको सम्मानित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको वैलिडेट करके उनको आगे काम करने का मौका दिया जाए।
धर्म, कर्म और ईश्वर भक्ति से जुड़े रहने वाले हरिमन शर्मा अपने घर आए किसानों को अतिथि देवो भव वाला सत्कार देते हैं, और जब कभी इन किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हरिमन शर्मा उन्हें उपयुक्त जानकारी भी प्रदान करते हैं। किसानों के साथ साथ उनका ये व्यवहार उनकी सादगी और व्यवहार कुशलता को दर्शाता है। ऐसा करके हरिमन शर्मा अपनी छवि की छाप आम किसानों के दिलों पर छोड़ देते हैं। तो देखा आपने, हरिमन शर्मा ने सेब के पौधों को आपके बागानों तक पहुंचाना कितना आसान बना दिया। वैसे हरमन 99 के पौधे को आप अपने बागानों में उतनी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं जितने कि किसी अन्य सामान्य पौधे जैसे अमरूद, पपीता और अनार के पौधे को। तो आप भी सेब की इस नई किस्म को अपने बागानों में लगाइए और अपनी आमदनी को बढ़ाइए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, ठीक इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर, और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नए शोधकर्ता के शोध से। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।